बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अबीहा आज आपके साथ शेयर करूंगी शिमला मिर्च कीमा की बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और मुझे साथ में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च, मैंने ली है हाफ के जी, और कीमा भी हाफ के जी है। और इसके अलावा एक अदद प्याज है दरमियाने साइज़ का, एक चम्मच सॉल्ट, एक चम्मच पिसी लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच ही जिंजर पाउडर है, क्योंकि बीफ का कीमा है। बीफ के कीमे में आप जिंजर पाउडर ज़रूर ऐड करें, इससे बीफ बादी नहीं रहता। और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है हल्दी पाउडर, और इसके अलावा कुछ मैंने साबुत गरम मसाला लिया, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग और एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, चाय का चम्मच चाहिए। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। कीमे के ऊपर मैं प्याज डाल रही हूँ। ये बहुत इजी रेसिपी है, ये कोई भी बना सकते हैं। ज़्यादातर मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो जेंट्स हैं, तो इसलिए मैं इजी रेसिपीज़ बताती हूँ ताकि वो इजीली बना सकें। जो मुल्क से बाहर जो मेरे भाई हैं उन लोगों के लिए, ताकि आसानी हो। तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, जो मसाला था वो डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है। और इसके बाद इसके अंदर एक गिलास हम पानी ऐड करेंगे। एक गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, छोटा गिलास पानी का ऐड किया है मैंने, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना, इतने में ही ये कुक हो जाएगा। अब हमने इसको चूल्हे पर रख देना है, इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में इसका पानी ड्राई हो जाए। और एक दो बार हम बीच में इसको चम्मच भी हिलाएंगे। अब हमने इसे पकने के लिए रख दिया, ये मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर बाद इस तरीके से इसको मिक्स करने, मैंने कीमा इस तरीके से तोड़ लिया है। और अब इसको दोबारा से ढक देंगे। अब इसे हमने दोबारा से पकने दे रहे हैं। पर ऑलमोस्ट पानी इसका ड्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। फोर कप ऑयल, इसके बाद हम इसे भून लेंगे। मैंने लिया था मोटा कीमा, क्योंकि टेस्टी मोटा कीमा ही लगता है। बारीक कीमा, कुछ लोगों को बारीक कीमा पसंद होता है, कुछ को मोटा, तो अपनी चॉइस है, आप जैसा भी यूज़ करना चाहें। लहसुन में भूना है, लहसुन अदरक में। अब इसके बाद इसको अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, दो अदर टमाटर मैंने लिए।
दो मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे भून लेंगे, टमाटर ऐसे सॉफ्ट हो चुके हैं। जो साबुत टमाटर है उसे हम तोड़ लेंगे। कीमा भून चुका है, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इसको ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब मैं इसको मिक्स कर दूँ। यहाँ पर शिमला मिर्च कुक हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी, इतनी ही कुक होती है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन। मैंने एक लेमन लिया है, उसको स्क्वीज कर रही हूँ इसमें। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। बाद में इसमें एक चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, उससे इसकी खुशबू और भी अच्छी तरह आएगी। और आप इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी। यहाँ पर ये शिमला मिर्च कीमा रेडी हो गया। 2 मिनट के लिए ढक रही हूँ ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए।